आप सभी साथियों का MNT न्यूज नेटवर्क में स्वागत है। मैं राजा गौतम, आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। साथियों, आज दिल्ली में एक संविधान चर्चा का एक कार्यक्रम लगाया था और इसमें दिल्ली के कोने कोने से लोग यहाँ पहुँचे थे। आज हमारे साथ मैडम है। मैडम, आपका परिचय? मेरा नाम ललिता है। बाय प्रोफेशन मैं एडवोकेट हूँ, कड़कड़ुमा कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ और मूल निवासी संघ में मैं कार्यकर्ता हूँ। मैडम, जो ये कार्यक्रम था आज का, क्या था ये कार्यक्रम, इसकी थोड़ी विशेषता हमें बताइए। ये जो कार्यक्रम आज हमने यहाँ पे एक मीटिंग लगाई गई जिसमें हम संविधान को पूरे संविधान में हमारे संविधान में जो एक हमें इतने सारे अधिकार या राइट्स दिए गए हैं वो लोगों को अभी तक भी जो हमारे लोग हैं वो ज़मीनी तौर पर नहीं जानते कि हमारे संविधान में हमारे लिए क्या क्या अधिकार, क्या क्या उनको ड्यूटीज़ उनमें उसको दी गई हैं। तो उसी अधिकारों को उस ज़मीनी स्तर पर हमें लोगों को बताने के लिए आज ये एक मीटिंग लगाई गई थी जिसमें हमारे दिल्ली के जगह जगह से लोग यहाँ पे एकत्रित हुए, जिसमें जैसे कि देखा जाता है कि काफ़ी स्तर पर महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। क्या चर्चा हुई इस पूरी मीटिंग में, ज़रा बताइए, और आप क्यों आए थे इस मीटिंग में शामिल होने के लिए? इस मीटिंग में जो चर्चा हुई इसमें एक कि हमें ज़मीनी स्तर पे कैसे हमारे जो संविधान की जो संविधान के को कैसे लोगों तक पहुंचाना है, कैसे लोगों को उनके अधिकारों के बारे में उनको बताना है इस बारे में, और कैसे उस हम लोगों को एक निरंतर कंटिन्यूटी में हम लोगों से एक कनेक्शन हम जोड़े रहेंगे, कम्युनिकेशन हम उन लोगों से करेंगे, उसकी पूरी प्रक्रिया या पूरी एक रणनीति इस मीटिंग में बनाई गई, और उस रणनीति को हमें कैसे समाज में लाना है या कैसे हमें एक पूरे उस जैसे एक मिशन 24 हमने बनाया है उसको हमें कैसे कंप्लीट करना है, ये पूरी रणनीति आज हमें इस मीटिंग में बनाई गई। जो मिशन 24 है इसमें आपको दिल्ली में इसको किस तरीके से डोर टू डोर ले जा पाएंगे? इस मिशन को हम जैसे कि अभी एक एक होता है कि घर से एक घर से हम दूसरे घर जाएंगे, तो जैसे ऐसे ही हम लोगों से कनेक्टिविटी मिलाए करेंगे और उन्हें उनके अधिकारों के बारे में संविधान इतना जैसे 75 साल हमारे संविधान को कंप्लीट होने वाले हैं लागू हुए, तो जैसे कि और इसी हिसाब से कि हाँ हमारा जो संविधान है उसमें हमारे लिए इतने अधिकार हैं जो टीवी में लोग दिखाते हैं कि हाँ हमें इतना मतलब इतना जल्दी हमें सब कुछ मिल जाता है, इतनी फैंसी लाइफ हमारी हो जाती है, बट अभी जो ग्राउंड तौर पर अगर हम देखें तो ऐसी जो स्थिति है वो नहीं आती है, हमारे साथ ऐसी स्थिति अभी पैदा नहीं हुई है, हमें उसके लिए भी कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, कितनी मजदूरी हमें करनी पड़ती है, वो अभी भी ऐसा ही है कि हमें जैसे सपने दिखाए जाते हैं वो ऐसे इतनी जल्दी पूरे नहीं होते, उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है अभी भी। आप इस कार्यक्रम को किस तरीके से लोगों में प्रचार प्रसार करेंगे? मैं इस कार्य को मैं लोगों में जैसे कि मैं युवा हूं और बाय प्रोफेशन मैं एडवोकेट हूं, तो मैं लोगों जैसे मैं लोगों के सामने जाऊंगी तो उनको बताऊंगी कि इतने वर्ष हो गए हमारा जो संविधान है ये लोग दिखाते हैं कि हमें मतलब इतनी जल्दी वो हम सेलिब्रिटी बन जाते हैं, इतनी जल्दी हमें गाना हम सिंगर बन जाते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके लिए हमारे जो लोग हैं उनको अभी स्कूली शिक्षा भी प्रॉपर नहीं मिल रही है, तो हम पहले लोगों को उनके शिक्षा उनके जो ज़मीनी तौर के जो अधिकार हैं उनको उन लोगों को बताएंगे, उनके साथ जाएंगे और उनको समझाएंगे, तो इस तरीके से हम बिल्कुल डोर टू डोर लोगों के साथ हम काम करेंगे, उनसे कनेक्टिविटी बनाएंगे। जो ये BS4 का कार्यक्रम है इस कार्यक्रम में महिलाओं की क्या भूमिका रहने वाली है दिल्ली में खासकर? ये जो कार्यक्रम जैसे कि अभी BS4 का लगाया गया है इसमें जो महिलाएं हैं जैसे कि हम अपने संगठन के माध्यम से कहते हैं कि 50% की भागीदारी, ऐसा नहीं है कि वो बस कहने मात्र होती है। आज जो हमारी ये मीटिंग लगाई गई है उसमें आज ऐसा देखा गया है कि जितने 50% अगर पुरुष हैं तो 50% भी महिला आज इस प्रोग्राम में थी, तो इस केस के हम कह सकते हैं कि हमारी जो महिलाएं हैं वो बहुत ज़्यादा जागरूक हो रही हैं, और ऐसे ही जो एक कार्य जो जब चलता है तो उसमें धीरे धीरे प्रगति आती है, तो जो हमारी महिलाएं हैं उनमें भी ऐसे एक विचार उनमें भी ये समझ आ रही है कि हमें ये जो हम पाखंडवाद है उसको छोड़ के ब्राह्मणवाद है उसकी विचारधारा जो है उसको छोड़ के जो हमारी एक विचारधारा फूले अम्बेडकरी विचारधारा है उसको महिलाएँ समझ रही हैं और साथ के साथ चल रही हैं। ये उन युवाओं के लिए कार्य ये इसलिए अच्छा रहेगा
क्योंकि सबसे पहली बात अभी जैसे पढ़ाई में हमारे लिए हमारे पास सब्जेक्ट होता है पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिकल साइंस में हमारा जो संविधान है या पॉलिटिक्स से जितने भी रिलेटेड है, तो उसमें बच्चों के लिए जो स्टूडेंट हैं उनके लिए समझने के लिए बहुत अच्छी चीज़ें रहेंगी। ये BS4 जो अभियान है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल सारी चीज़ें बच्चे अगर हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनको जो उनकी शैक्षणिक शिक्षा है वो भी बहुत अच्छी होगी। ये ऐसा नहीं है कि बस खाली बच्चों को बस एक उनका टाइम वेस्ट होगा, नहीं, उनके लिए उनसे उनकी स्टडी से रिलेटेड भी बहुत अच्छी एक सब्जेक्ट और विषय भी होगा। थैंक यू मैडम, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। सर, जय भीम, जय मुलवासी, धन्यवाद।